अब CSS में आज हम बटन्स के बारे में देख रहे हैं। जब से CSS3 में जैसे CSS3 आई है, आप देखेंगे बटन बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी स्टाइल की आ गई है। एक डिफॉल्ट बटन है, जैसे CSS बटन है, उनमें आप थोड़ा सा अंतर देखेंगे। तो सीधा शुरुआत करते हैं, सीधा लेके जाता हूं मैं आपको कोड पे, ताकि हम बटन बना सके। और आप देखिएगा कि ये बटन जब बनेगी तो आपको साथ में डिफॉल्ट बटन भी देखेंगे जो हमारे पास नॉर्मल रहती है, और उसके बाद हम बाकी बटन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले मैं आपको एक जो HTML की कोडिंग है वो बता देता हूं। तो यहां पर हमने क्या किया कि बिल्कुल बेसिक पेज है, कुछ नहीं किया हुआ इसमें। एक मैंने हेडिंग डाल दी है जिसको हमने कहा ये CSS बटन है। यहां CSS बटन में अब मैं एक बेसिक बटन बना रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बटन है। और इसको मैं या जो भी आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं, अभी ऊपर स्टाइलिंग देंगे, अलग अलग बटन बना देते हैं और अलग अलग कलर में बना देते हैं। आप बेसिक बटन तो जो CSS में बनाते हैं वैसे बनाते हैं। यहां पर देखिएगा कि बटन बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी हम थोड़ी सी अलग अलग कर देंगे। यहां पर आपको क्या करना है, यहां लिखना है बटन, क्या लिखना है बटन, VUTTON, ये बटन हो गया, थोड़ा छोटा कर दीजिएगा इसको, VUTTON, ये बटन हो गया आपका। और इसी तरीके से आप बटन को एंड भी कर दीजिए साथ साथ। और बटन के बीच में क्या लिखना है मैं बताता हूं आपको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको बंद कर दीजिए बटन को। और मान लीजिए आप इसको ग्रीन बनाना चाहते हैं, तो इसकी पहले तो क्लास हम बना दें, इसको क्लास में रख दें। क्लास आपकी हो गई मान लीजिए बटन, क्लास बटन ही रखिए, ओके। उसके बाद इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो हम लिख देंगे, जैसे हम लिखते हैं ग्रीन, इसको ग्रीन बनाएंगे, ओके। अब ऐसे आप ब्लू, रेड, ऐसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे एक आध दो और बना देते हैं। ये बटन है, इसको हम ब्लू कर देते हैं, और ग्रे करना चाहते हैं ग्रे कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए ब्लैक, और कर देते हैं साथ में ये जगह ब्लैक, ओके। ये हो गया। अब आप देखिएगा कि इसमें हम ऊपर जो स्टाइलिंग है वो कैसे करेंगे। हम इसमें वी विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बटन विद द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, हम इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब इसके लिए जैसे ये आपका क्लास आपने दी थी, ये बटन वन कर दीजिए, ये बटन टू कर दीजिए, ये बटन थ्री कर दीजिए। अब इनकी इनकी क्लास के हिसाब से हम चीजें चेंज करेंगे। तो स्टाइल के अंदर आ जाइए, स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले आप किसको देना चाहेंगे, बटन वन को। तो बटन वन को शुरू करते हैं, पहले तो कोई भी बटन जो क्लास है उसकी उसकी बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, बटन वन के हिसाब से क्या होगा, बटन टू के हिसाब से क्या होगा, ओके। तो कोई भी अगर बटन क्लास में है, जैसे मैंने ये बटन क्लास सबके लिए क्लास जो है बटन रखी है, उसको कंट्रोल सेट कर देता हूं, सबके लिए आपकी क्लास बटन है, ओके। अब इसके आगे, इस बटन के आगे मैं और भी कुछ लिखूंगा, जैसे बटन बटन वन या टू, ये आपकी बटन हो गया और इसमें हो गया बटन बटन वन, ऐसे ही हम बटन बटन टू, बटन टू हो गई, ऐसे करेंगे इसको। तो हर बटन के लिए बेसिक चीज तो बनाएंगे, फिर बटन वन बटन टू बटन थ्री के लिए अलग से कुछ और जोड़ेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये जो है तीन हम बटन बना रहे हैं और इसमें बटन थ्री करेंगे। अब ऊपर देखिएगा मैं यहाँ स्टाइलिंग में क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं बटन के लिए स्टाइलिंग दूंगा, उसमें सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे, और फिर हम बटन टू बटन थ्री के लिए अलग अलग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि क्लास बनाइए, एक बटन क्लास है, तो यहां पर करेंगे डॉट बटन, VUTTON, ये बटन हो गया। अब इसमें क्या देना आपको, इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपका आएगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप रख दीजिए कुछ भी, क्योंकि वो तो हम वन टू में चेंज करेंगे। ये हो गया बैक ग्राउंड, ये होगा कलर, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, हेक्साडेसिमल में दे दीजिए, या फिर कोई शब्द भी दे सकते हैं आप, शब्दों में दे दीजिएगा। मैं आपको इसको हेक्साडेसिमल में कर देता हूँ, 4C, मान लीजिए AF50, ये मान लीजिए। इसके बाद मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ कि अभी बॉर्डर इसका मत दीजिए, बॉर्डर कर दीजिए ना, ओके। कलर इसका अभी वाइट रखेंगे,
हो जाए ठीक है, कलर वाइट हो गया। पैडिंग दे दीजिए इसकी थोड़ी बहुत इधर उधर की, तो पैडिंग हो जाएगा। पैडिंग 15px कर दीजिए और 32px कर दीजिए। ऐसे आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए इसको, टेक्स्ट अलाइन कर दीजिए इसको सेंटर। ठीक है, फिर आप टेक्स्ट ओके, डेकोरेशन अभी कुछ मत करिए। तो टेक्स्ट जो डेकोरेशन रहेगा, डेकोरेशन ये नन कर दीजिए, नन कर दीजिए। ऐसे ही आप अब फॉन्ट साइज देख लीजिए क्या करना चाहते हैं। फॉन्ट साइज कर दीजिए करीबन, क्या करेंगे 16px कर दीजिए। ऐसे आपका मार्जिन कर दीजिए। अब बहुत सारी चीज इसमें करनी पड़ती है, और बस लेकिन एक बार, बस एक बार पूरे, जैसे मैंने बताया ना कि एक बार कर दिया आपने, एक CSS में उठा के रख दिया इसको, और फिर देखिए फिर जितने भी पेज बनाए, जितने भी सब कुछ बनाए उसमें ये सब चलता रहेगा। ऐसे कर्सर कर दीजिए, जब इसके ऊपर कर्सर आएगा तो वो कैसे दिखना चाहिए, तो कर्सर पे आप पॉइंटर कर दीजिए, कोई भी हाथ हाथ बन के आ जाए। तो ये हमने अभी बटन के बारे में सारी प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक है, अब हम बटन टू, बटन थ्री, ऐसे बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर, ऐसे और जो हमने बनाए हैं, कितने बनाए हमने, हमने एक तो नॉर्मल बटन, पहले तो नॉर्मल बटन एक बना देते हैं, मतलब इसमें इसमें क्या करेंगे, यहां जो है एक नॉर्मल बटन बना देते हैं जिसपे ये प्रॉपर्टी सारी आ जाएगी। इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। और अगला जो है वो होगा बटन, बटन वन, ये बटन वन टू और थ्री। तो बटन वन और टू और थ्री के लिए थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी कर देते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आप इसको ये इसमें कुछ भी कर दीजिए, डिफॉल्ट कर दीजिए, डिफॉल्ट बटन वन के लिए, क्योंकि हम करना चाहते हैं इसको ग्रीन, अगर आप ग्रीन देना चाहते हैं या कोई और कलर कर देना चाहते हैं, जैसे ब्लू वाला है, ग्रीन वाला है, ब्लैक भी है, इसको कर देते हैं ग्रे, ग्रीन की जगह ग्रे कर देते हैं। तो ग्रे के लिए क्या देंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम करेंगे पहला पहला देख लेते हैं, पहला क्या है हमारा बटन वन। तो बटन वन, बटन वन के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर डॉट से इसको एक्सेस करना पड़ेगा, डॉट बटन वन, इसमें क्या देंगे, बस एक चीज कर दीजिए इसकी, वो है आपकी बैकग्राउंड कलर, बस इसे चेंज कर दो, सेमीकोलन लगेगा यहां पर भी, सेमीकोलन लगेगा। इसकी बैकग्राउंड कलर जो है पहले वाले का, यहां पर हम चाहते हैं कि ये ग्रे हो जाए, तो ग्रे के लिए हम कर देंगे, लेट अस हैव बैकग्राउंड कलर एज, इसमें देखिए थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, एक तो बैकग्राउंड कलर देंगे वो हम कर देंगे हैश, ये हो जाएगा E7, और इसके बाद हम इसके साथ एक और प्रॉपर्टी लेंगे, वो है आपकी कलर, CLOR ब्लैक, तब बनेगा ये जाके ग्रे। ओके, अब आपको करना है अगला कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू के लिए क्या करेंगे, आपका बटन टू हो गया ना, ये बटन टू, तो बटन टू आपका ब्लू है, और ब्लू के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज उठा लीजिए, बटन टू के लिए ये बस ये E77 की जगह ब्लू की जगह दे दीजिए 008CBA, ऐसे दे दीजिए, ये हटा दीजिए कलर ब्लैक, यहाँ लिख दीजिए ब्लू, कंट्रोल जेड रीडू, मैं कल इसको हटाना चाहता हूँ, कलर ब्लैक क्योंकि वो ग्रे के लिए था। तो ये बैकग्राउंड कलर इसका भी आ गया। अब एक और बटन दिया है, वैसे दो बटन से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीसिटी थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तीन पे जो है। अब तीन पे हमारा क्या है, कौन सा कलर है, तीन पे ब्लैक कलर। तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हैश 5555555, ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर दीजिए 5555555। अगर आप डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीजें मैं केवल इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा हैश वैल्यू भी दे सकते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए सब कुछ ठीक है, अभी ये जरा चेक कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एस करते हैं। चलिए साहब हम रेडी हैं इसके लिए,
अब हम रन कराते हैं इसको, आपको अलग अलग कलर में दिखना चाहिए। तो ये देखिए डिफॉल्ट ग्रे ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हम इसमें सीधा ब्लैक कर दें। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम ब्लैक भी लिखेंगे तो भी वही आएगा। अब देखिए ये जो कलर है ये किस तरीके से आपके सुंदर होंगे। ये बटन देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। तो आपको स्टाइलिंग कैसी देनी है आप समझ गए, फिर से समझिए। यहां पर आपको ये सब जो बटन के लिए, एक डॉट बटन के लिए आपने क्या क्या देना था वो आपने देख लिया, और फिर उसके बाद आपने बैकग्राउंड कलर दिया इसको, और उसके बाद बॉर्डर नन किया, ऐसे ही आपने और भी चीजें की। ये जो बैकग्राउंड कलर है ये प्रॉपर्टी से हमने बाकी चीजों को भी चेंज किया। ओके तो यहां तक ठीक हो गया। हाँ एक चीज देखिए, ग्रे के लिए हमने एक कलर दिया उसके साथ उसको ब्लेंड किया दूसरे वाले को, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बटन के साइज, बटन के साइज कहां डालेंगे, जैसे बटन अलग अलग बटन है इसके आपको साइज चेंज करने, तो फिर क्या होगा, जैसे आपने जो अभी अभी दिया था इसमें अब हम कलर चेंज नहीं करते, अब हम साइज चेंज करते हैं, राइट। तो बटन वन के लिए आप यहां पर बैकग्राउंड कलर की जगह ये बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, और साथ में आप यहां पर लिखेंगे फॉन्ट साइज, क्या लिखेंगे फॉन्ट साइज, ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ था हमने, देखिए छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कर सकते हैं फॉन्ट साइज, जैसे इसको 10 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, फिर थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, और इस वाले को कर दीजिए, नहीं ये 16 है ना, पहला वाला आपका 16 आएगा तो इसको कर दीजिए 14, इसको कर देता हूं 14। अगले वाला जो आएगा उसको हम कर देते हैं थोड़ा और छोटा, यानी कि इसको कर देते हैं 12, ये 12 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो आ रहा है इसको और कर देंगे 10। अब ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज यहां तक ठीक है, फॉन्ट साइज ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसका रन कराते हैं हम। अभी देखिए आपको साइज में चेंज दिख रहा है, ये बड़ा फिर थोड़ा छोटा फिर छोटा छोटा, इस तरीके से आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, बटन का साइज चेंज कर सकते हैं। अब आप पैडिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ताकि पैडिंग चेंज कर सके। वो कैसे करेंगे पैडिंग, अब इसमें पैडिंग डाल देता हूं मैं, मान लीजिए ये वाला है पहला हमारा, इसमें सब में अलग अलग पैडिंग देके एक बार ट्राई हम दे सकते हैं, क्योंकि यहां ऑलरेडी हम पैडिंग दे चुके हैं। इसमें आप पैडिंग थोड़ा सा बढ़ाएं या घटाएं, क्योंकि हमने इसका ये 15px 32px किया है, चलिए इसको कर देते हैं 10 और इसको कर देते हैं 24, ऐसी बाकी में भी कर देते हैं, रैंडम वैल्यू दे रहे हैं हम, रैंडम, इसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं तो एक से भी बता सकता था आपको, क्योंकि आप तीन बना ही दिए हैं तो आपको अलग अलग इसमें आ जाए, जैसे ये 10 है ये इसको 12 कर दीजिए और फिर इसको इसको 28 कर दीजिए, ऐसे ऐसे यहाँ अगला है इसको 12 कर दिया तो इसको 14 कर दीजिए, मतलब एक्स और ऊपर नीचे ये सारा बता देगा कि मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में आपको कितनी कितनी इसकी पैडिंग दे रही है। थोड़ा और इसको ऐसा बढ़ा देते हैं, थोड़ी और दिखाई दे आपको, कंट्रोल लेस करिए इसको चला दीजिए, ये पैडिंग हो गई आपकी, आप देख पा रहे हो कितनी पैडिंग, जैसे ही पैडिंग बढ़ाई तो इस कितनी जगह बढ़ गई इसकी, पैडिंग मतलब इस जो कंटेंट दिख रहा है उसके आसपास कितनी जगह होनी चाहिए, ये आपका पैडिंग हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं राउंड बटन भी बनाऊं, तो इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस यूज कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब मैं क्या करता हूं, केवल ये ब्लू और डिफॉल्ट को रखता हूं, बाकी हटा देता हूं, यानी कि मैं ये ग्रे को हटा रहा हूं, सेकंड और लास्ट को हटा देते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा बचे, सेकंड और लास्ट को हटा दे रहे, तो हम ये सेकंड हटा रहे हैं यहां से, ओके, और ये सेकंड हमने हटा दिया और ये लास्ट को भी हटा रहे हैं, सी हमारे पास दो बटन रह गए, एक डिफॉल्ट और देखिए प्रोसर बटन टू वाला, तो टू वाला रखते हैं बाकी से उठा देते हैं, कंट्रोल एस, ओके। अब पैडिंग भी डाल दी हमने, अब बॉर्डर रेडियस देख लीजिए, हमें मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर रहा हूं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए क्या बॉर्डर रेडियस हमने यूज किया नहीं किया, तो यहां पर अब जो अगली बटन आने वाली है उसमें बॉर्डर यूज करेंगे, बॉर्डर BORDER, और यहां पर करिए रेडियस RADIUS,
बड़ा रेडियस हो गया। अब ये जितना भी आपको देना है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, 12 px कर देता हूँ, या नहीं ये तो साइज भी नहीं है, 8 px कर देता हूँ, 8 px, ये बड़ा रेडियस हो गया। पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। तो हमने क्या किया, बटन वन और बटन टू को लिया, कलर या डिफॉल्ट पे आप ध्यान रख दीजिए और इसको देखिए कैसे चेंज होता है। आपका जो ये है ब्लू बटन, इसके लिए हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया, तो अभी आपको अराउंड होके आनी चाहिए। तो रन करा लीजिए इसको, ये देखिए ब्लू बटन आपकी रेडियस में होके आ गई। अब आपको आप कलर्ड बटन बॉर्डर भी बना सकते हैं, यानी कि जो अभी आपने बटन बनाई है इसमें बैकग्राउंड कलर क्या करिए, व्हाइट कर दीजिए, कलर इसका ब्लैक कर दीजिए, और मान लीजिए आप बॉर्डर इसका जो कर रहे हैं उसमें कुछ 2px सॉलिड इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसमें अब बताता हूं मैं आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बटन बनाए उसके उसका बॉर्डर हम दे रहे हैं कि बॉर्डर इसका हमारा किसी कलर में आए। तो मैं इस ब्लू वाले को ही बॉर्डर में देता हूं। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट साइज भी हमने दिया हुआ है, पैडिंग भी दे रखी है। अब हम यहां पर इसको कर देते हैं बॉर्डर रेडियस भी, चले दीजिए इसको, एक एक चीज बनाता हूं मैं ये सब। अब अगला आएगा हमारा बॉर्डर, पहले कलर इसको, जैसे कंटेंट आपको किसमें देना है, मैं पहले बॉर्डर लिखता हूँ उसको, फिर आपको बताता हूँ क्या चीज हटानी पड़ेगी इसको दिखाने के लिए। यहाँ पर बॉर्डर लिखेंगे 2px और रख दीजिए इसको सॉलिड, और फिर इसको रख दीजिए हैश आपका 4c और af50। ओके, ये अब मैं बताता हूँ आपको क्या चीज हटानी पड़ेगी ताकि हमारा बैकग्राउंड भी हट जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर हम जाते हैं, पहले जो ये वाला है ना यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ पर आप बॉर्डर, ये जो कलर है इसको हमने व्हाइट कर रखा है, पैडिंग दे रखी, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन है, डिस्प्ले करिए इसमें, टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद यहाँ पर करिए डिस्प्ले और यहाँ पर करिए इन लाइन ब्लॉक और इन लाइन के बाद हाइफन देके ब्लॉक block, ये हो गया block, ये कर दीजिए। हम बॉर्डर बनाने जा रहे हैं, मार्जिन इसका ठीक है, कर्सर भी पॉइंटर, फॉन्ट साइज भी इसका दिया हुआ है। ओके, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर दिया आपने। अब नीचे आइए, यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर व्हाइट करिए, ये सब अभी थोड़ा सा हटा देते, और बॉर्डर को यहाँ पर आप कलर कर दीजिए ब्लैक, और यहां तक ठीक है। तो मैंने किया क्या, मैंने यहां पर ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया और यहां पर मैंने बैकग्राउंड कलर जो है व्हाइट कर दिया। अब मेरे पास जो कलर है अंदर का, जो कंटेंट कलर है वो तो ब्लैक में दिखाई देगा आपको, उसका साइज वगैरह 16 पिक्स है ही, मार्जिन वगैरह सब यहाँ सेट किया ही है। बॉर्डर अब आ जाएगा, इस पर्टिकुलर बटन का बॉर्डर आ जाएगा। तो अब देखिए इसको रन कराऊंगा तो आपको एक ग्रीन बॉर्डर दिखेगा दूसरे वाले में, ये देखिए बॉर्डर आ गया ना। इस तरीके से बाकी बॉर्डर भी बना सकते हैं, रेड कर सकते हैं उसको, ग्रे कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी तरीके, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब होवरेबल बटन्स, होवरेबल बटन का मतलब क्या होता है कि हम होवर सिलेक्टर को यूज करके जो स्टाइल है बटन का वो चेंज कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर माउस इस तरीके से लाए। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ताकि हम ये भी जान सके कि स्पीड क्या है होवरिंग इफेक्ट। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस, अब ये सब मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी चीजें आप हटा दूं। अब हम बहुत बेसिक चीज लिखते हैं, चलिए यहां पर मैं आपको बटन में बता रहा हूं कि यहां पर बटन है, बैकग्राउंड कलर जो भी है रहने दीजिए, बॉर्डर भी न रहने दीजिए, कलर व्हाइट ठीक है, पैडिंग भी इसकी डेकोरेशन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया, फॉन्ट साइज हो गया 16px करीब, मार्जिन भी हो गई। अब यहां पर मैं ला रहा हूं एक नई चीज जिसे मैं कह रहा हूं ट्रांजिशन ड्यूरेशन इस जगह पे। ओके, तो ट्रांजिशन और यहां पर लिखेंगे ड्यूरेशन। ओके, ट्रांजिशन ड्यूरेशन और कोलन करके हम कर देते हैं, मान लीजिए 0.4s कर दीजिए इसको। ओके, इतने सेकंड के लिए ट्रांजिशन होगा। अब बाकी सब चीजें वैसी रहने दीजिए, यहां पर ऐसा कुछ और नहीं करना है। बट अब हम बटन टू के, हमारे पास बटन टू है, हमने एक बेसिक तो बटन लिखा हुआ है, इसके हम इसकी होवरिंग नहीं कर रहे हैं, हम बटन टू की होवरिंग पे बात कर रहे हैं कि बटन टू की होवरिंग पे क्या होगा। तो बटन टू की होवर पे हम क्या लिखेंगे, जैसे ये तो बटन टू हो गया,
इसकी प्रॉपर्टी तो बटन 2 की प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, बैकग्राउंड कुछ व्हाइट है, कलर ब्लैक है, व्हाटएवर। अब हम इसके होवर पे लिखेंगे, बटन 2 के होवर पे क्या लिखेंगे देखिएगा। कंट्रोल सी, बटन 2 के होवर पे कोना लगा के होवर कर देते हैं। इसके होवर पे क्या होने वाला है, बैकग्राउंड कलर आप ये आपके ऊपर, आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसमें, और कलर व्हाइट कर दीजिए, बॉर्डर रखना है रखिए, नहीं रखना मत रखिए, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं इसका कोई कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दीजिए, मान लीजिए हैश हैश 008C8CBA कर दीजिए, अपनी मर्जी आपकी, कंट्रोल एस कर दीजिए। मैं इसका रन कराता हूँ, आप देखिएगा जैसे मैं बटन 2 पे अपना कर्सर ले जाऊंगा तो वो किस तरीके से अपनी चीजें चेंज, जैसे होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, ओके बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट था वो आप कुछ और कलर ले लेगा, बेसिकली होवरिंग हम ये कर रहे हैं। और होवर से क्या होता है, अच्छा आपने ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी दे दिया है, 0.4 सेकंड का आपने टाइम ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी दिया है, ये दिखाएगी कि होवर इफेक्ट का टाइम कितना होना चाहिए। ऐसे अलग अलग आपके पास बटन है उसमें अलग अलग कलर दीजिए और इसको चेंज करने की कोशिश करिए। मैं इसको लेके आता हूँ, कंट्रोल एस करिए, उसको रन करा दीजिए। ओके यहां तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर लाऊंगा तो देखिए कैसे आपका ये होवर वाली चीज इसमें आ गई, कितना बेहतरीन हो गया। ऐसे आपके पास शेडो बटन है, इसमें आप बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बॉक्स शेडो में हम क्या करते हैं, बटन 2 के ऐसा करिए, बटन 2 के होवर पे बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस जगह पे, तो शेडो बैकग्राउंड में आ जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि मैं ये सब उठा देता हूं, मैं बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी लगाता हूं इसमें, बी ओ एक्स शेडो, बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी हुई। इसमें क्या लिखेंगे, जैसे आपको पहले बताया था चारों चीजें लिख लीजिए, जैसे एक साइड 0, एक साइड 12, एक साइड मान लीजिए 16, पीएक्स डालूंगा अभी मैं यहाँ 0 और यहाँ पर आरजीबी ब्रैकेट में आप दे दीजिए जो आपकी मर्जी हो, जो मैं मानता हूँ कि 0.24 ऐसे कर लीजिए, और अगला कॉमा लगा के इस जगह पे, अभी मैंने px लिखना बाकी है वो अभी मैंने नहीं किया है, अभी बस मैं नंबर दे रहा हूँ, जैसे 0 है इसको 17 दे दीजिए, अगले वाले को 50 दे दीजिए, अगले वाले को 0 दे दीजिए, ऐसे RGBA ब्रैकेट में आप कौन सी वैल्यू देना चाहेंगे, आप दे दीजिए 0.0 0.0 0.19, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसमें। अब px लिख दीजिए हर जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे 12px, 0 में px लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां नंबर होगा वहां px लिखना आपको आवश्यक हो जाता है। ये अब हम जब बटन होवर करेंगे तो बॉक्स शेडो आपको शेडो दिखाई देगी, RGBA जो कलर देख रहे हैं ना आप, ये इसके शेडो के लिए किया, ये हम ऑलरेडी कर चुके पहले भी। ओके जैसे ही मैं उस बटन पे ले जाऊंगा आप उसके साइड में देखेंगे, ये बहुत कम वैल्यू में वेरिएशन दिया हुआ है, और देखिए तब भी आपको एक बड़ा घेरा दिखाई देगा, लेकिन इसको और कम कर सकते थे ताकि हल्का सा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। रन कराता हूँ इसको, अब देखिएगा इस पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड में देखिए क्या आ रहा है, इसे हम कह रहे हैं शेडो। अब बात आती है डिसेबल बटन की, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हम डिसेबल बटन भी बनाना चाहते हैं, तो हम इसकी ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी डाल सके बटन में, जो एक डिसेबल्ड लुक देगा। और एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कर्सर प्रॉपर्टी हमने देखा, इसके वैल्यू देंगे नॉट अलाउड, ये डिस्प्ले करेगा जैसे कोई नो पार्किंग साइन वाला होता है, जब भी माउस उसके ऊपर ले जाएंगे तो वो ऐसे कर देगा। तो उसको कैसे लिखेंगे उसका तरीका देखिएगा जो हम कर रहे हैं, ये जो डॉट बटन है उसको तो ऐसे रहने दीजिए, वहां कुछ चेंज मत करिए, एक डिसेबल्ड वाली चीज और उसमें डाल दीजिए, जैसे क्लास हमने बटन किया हुआ है, अब उस क्लास बटन के आगे हम डिसेबल्ड लिख देंगे, बटन 1 नहीं इसको हम कर देंगे। ये बटन अभी तक क्या हुआ था, इस बटन 2 के अंदर बटन 2 लिखा था, अब इस बटन 2 को हटा के हम यहां पर कर देते हैं डिसेबल्ड, और अब इस ये जो डिसेबल्ड है ना इसके होवर पे लिख देंगे। कुछ किया नहीं है हमने, केवल एक आपको बताने के लिए कि डिसेबल में क्या लिखना है, कैसे करना है इसको।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं, एक तो ओपेसिटी कर दीजिए, ओपेसिटी है यहां पर, यहां ओपेसिटी नहीं है तो हम लिख देते हैं इसको, एक तो ओपेसिटी कर दीजिएगा, ओपेसिटी जब बटन टू अभी है नहीं तो इसका कोई काम नहीं, हमने तो उसको डिसेबल बना दिया, एक ओपेसिटी कर दीजिए उसकी, मान लीजिए जो आपकी मर्जी हो जितना 0.6 में एक मीडियम वाली दे देता हूं, और उसके बाद में कर देता हूं कर्सर, कर्सर में क्या करेंगे कि यहां पर आप कर दीजिए नॉट अलाउड, वहां पर आपको एक साइन दिख जाएगा कि देखिए इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये डिसेबल बटन हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, बटन टू की स्टाइलिंग हटा दी है, तो बटन टू बिल्कुल वैसी आएगी जैसे आपको ये वाली बटन दिखानी, डिफॉल्ट बटन दिखने वाली है, डिफॉल्ट ब्लू, ये ब्लू को ग्रीन कर दीजिए, जैसे आपको ये दिख रही है वैसी वो भी दिखाई देगी। और अब देखिएगा कि जैसे मैं उस पर माउस ले जाऊंगा आपको एक ऐसा साइन आएगा जिससे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, जिसे हम कहते हैं डिसेबल वाला साइन। तो कंट्रोल एस करता हूं, उसको ऑन कराता हूं, ये देखिए आप यहां पर लाते क्या हो गया, एक तो ओपेसिटी भी चेंज हो गई पीछे की, और ये देखिए इसके ऊपर एक साइन भी आएगा। ओके, और आप चाहे तो इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, बटन की ना विड्थ चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है आपकी कौन सी बटन यानी प्रॉपर्टी चल रही है डिसेबल्ड, मैं इसको वापस ले आता हूँ, बटन टू पे ले आता हूँ, मैं बटन टू प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, बटन टू रहने दीजिए, और इसमें बटन टू हमारा है, ये भी बटन टू है, ठीक है बटन कंट्रोल जेड जेड बटन टू। ओके, इस बटन टू की होवर प्रॉपर्टी पे चाहे तो होवर प्रॉपर्टी भी लिख दीजिए, नहीं तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि हर चीज होवर पे लिखा जाए। हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि इसका साइज, इसका थोड़ा सा साइज चेंज कर रहे हैं, जैसे मैं इसको हटा देता हूं, और बटन टू की यहां पर विड्थ कर दीजिए, जैसे बॉर्डर वगैरह दिख रहा है आपको, इसकी विड्थ कर दीजिए, विड्थ कितनी करेंगे मान लीजिए 50% कर दीजिए, परसेंट भी लिख सकते हैं, 250px 300px भी लिख सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, मैं 100% करता हूं इसको, देखिए क्या इफेक्ट आता है, इसकी विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 100% किया क्योंकि मैं चाहता हूं ये पूरे के पूरे इसमें आ जाए, मतलब बाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ तक पूरा का पूरा आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसको रन कराता हूं, पूरा ये आ जाना चाहिए, अब देखिए डिफॉल्ट आ गया, बटन ब्लू जो है इसने पूरी की पूरी जगह ले ली। ओके, अब हमको बटन के ग्रुप बनाने हैं, जैसे बटन आपने देखे ना अलग अलग, अब इस बटन का एक ग्रुप बन जाए तो वो कैसे करेंगे, बटन ग्रुप कैसे लिखेंगे, और वो भी हम फ्लोट के हिसाब से लिख रहे हैं। तो बटन ग्रुप के लिए एक डिव बना दीजिए, मैं 2-3 बटन इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, एक डिव बनाते हैं और डिव को इसकी क्लास दे देते हैं, जैसे यहां पर देखिए एक बटन तो है ही अपने पास, 2 बटन हो गए, और एक और बटन बना देते हैं, चलिए इसको बटन 3 बोल देते हैं, बटन वैसे अब इसको हम बटन नहीं, बटन 1 बटन 2 बटन 3 नहीं करते, एक ही तरीके के दिखाते हैं, तो ये बटन रहेगा, ये भी बटन रहेगा, ये सारे बटन हो गए, और इन सबको आप डाल दीजिए एक डिव में, डिव में, और इस डिव की क्लास बना देते हैं। डिव की क्लास क्या बनाएंगे, जो नाम देना आपको, जैसे मैं इसको क्लास बना देता हूं बटन ग्रुप, तो डबल कोट्स में आप लिख दीजिए btngrp, बटन ग्रुप कर दीजिए, इसको डबल कोट में बंद करके यहां पर आप ये बंद कर दीजिए, और एक डिव यहां लास्ट में बंद कर दीजिए। अब ये तीनों जो बटने हैं एक आपने डिव में डाल दी। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी केवल एक हल्की सी चेंज कर दी, वो प्रॉपर्टी आप देखेंगे अपने आप समझ जाएंगे कि हो क्या है, बाकी सब तो हमने दे दिया बटन के हिसाब से, सारी प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई है इधर पे। अब हम क्या करेंगे, इस बटन ग्रुप के बटन की प्रॉपर्टी, यानी कि यहां पर लिखेंगे डॉट, ये उठाएंगे इस बटन ग्रुप की डॉट, बटन ग्रुप की डॉट डॉट बटन पे क्या होना चाहिए, ये सब सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके पास। और अब हम जो बटन ग्रुप के बटन के होवर पे, इसी के होवर पे, अच्छा एक चीज जुड़ गई, एक चीज रह गई, यहां पर हमको फ्लोट लेफ्ट लिखना पड़ेगा ताकि तीनों बटन एक साथ दिखाई दे,
वरना वो अलग अलग दिखाई देगी। ये बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फ्लोट ये लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। अभी ये बटन के होवर में आप देखेंगे अलग अलग बटन जो है वो चमकेंगे। तो इस बटन ग्रुप के बटन पे और इसके होवर पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मान लीजिए अभी से उठा देते हैं, ये कर दीजिए इसको, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। बाकी इस बटन ग्रुप पे मैंने आ दिया, तो इसको मैं रन कराता हूं, देखिएगा कैसे दिखता है ये। ये रन कराया, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, लेकिन इसके होवर पे कुछ नहीं हो रहा है। होवर पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कलर एक जैसे मैच हो गए, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। जैसे इसको कर दीजिए 3E 8E, आपकी मर्जी है, जो वैल्यू देना है वो दे दीजिए, जो आपको सुंदर लगे। अब और भी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ सकती है, देखिए ये इसके ऊपर सेव करता हूँ इसको। ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ये भी आप हटा सकते हैं, इसमें अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। फोर्ड लेफ्ट भी ठीक है, और ये हटा सकते हैं, कंट्रोलाइज करिए। तो अब मैं इसे रन कराता हूँ, हमें जो प्रॉपर्टी चेंज की उस हिसाब से, बस फ्लोट लेफ्ट को ध्यान रखिएगा, बाकी तो आप जैसे ही उस पर बटन ग्रुप पे होवर करेंगे आपको चीजें दिखाई देने लगेगी। तो ये हमारा अलग अलग है, इसको मैं रन कराता हूँ। अच्छा कलर ये थोड़ा सा ऐसा लिया है ताकि मतलब बहुत अलग कलर ना हो जाए, जैसे ग्रीन है ना, ग्रीनिश टाइप है, ग्रीन से आप रेड मत करिए, ग्रीन से हल्का डार्क ग्रीन करिए ताकि बहुत अंतर ना पड़े। अब देखिए मैं इस पर ला रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो चीजें कैसी चेंज हो रही है। इसे हम कहते हैं बॉर्डर, बॉर्डर बटन। ये ग्रुप्स आपको आपके बन गए, तो हमने क्या किया, इसके बटन के ऊपर फ्लोट लेफ्ट किया और बॉर्डर भी बना दिया, ये सब चीजें ठीक। ऐसा वर्टिकल बटन भी हो सकता है, अगर वर्टिकल बटन करना है तो क्या करेंगे, जो आपका डिस्प्ले है, जो फ्लोट लेफ्ट किया है ना, उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए। ये फ्लोट लेफ्ट किया था, इसी को अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, यहां पर डिस्प्ले कोलन लगा के यहां पर कर दीजिए ब्लॉक, ओके। बस डिस्प्ले ब्लॉक करते ही क्या होगा कि वो सब अपने जो हॉरिजॉन्टली थी वो वर्टिकल आ जाएगी। तो रन कराता है इसको, ये देखिए ये अलग अलग आ गया ना। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई, ये क्यों आगे चला गया, क्योंकि इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, टेक्स्ट बराबर रखेंगे तो बराबर आएगा। ऐसी आपका एनिमेटेड बटन भी है, जैसे अगर आप किसी बटन पे आप एरो डालना चाहते हैं, जैसे आप जैसे इस पे आए तो अपने आप एरो आ जाए, तब आप क्या करेंगे, एक प्रेस इफेक्ट जब आप क्लिक करेंगे तो वो आना चाहिए, रिपल इफेक्ट आ सकता है, ऐसी अलग अलग चीजें आ सकती है। तो मैं आपको ये बताता हूं कैसे हम एक एरो डालेंगे होवर पे। तो अपने कोड पे जाते हैं, यहां पर जो बटन का डिस्प्ले है वो सब तो वैसे ही रहने दीजिए, डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक कर रखा है। ऐसी बॉर्डर रेडियस, अब इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस डालना है, बॉर्डर रेडियस डाल दीजिए, आपकी मर्जी है जो आप डालना चाहें। ऐसे बैकग्राउंड कलर आपका है यहाँ पर, और बॉर्डर नन करिए, बॉर्डर नन होना चाहिए। ऐसे ही आप इसका कलर भी देखिए, व्हाइट है तो कुछ और देना चाहें तो कुछ और दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूँ हैश एफ 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 एफ, कितने हो गया, एक और एफ चलेगा, ओके। अब कलर हो गया, ये टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन ये चाहे, इसमें आवश्यकता है नहीं वैसे इसकी, टेक्स्ट डेकोरेशन की जरूरत है नहीं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हमने किया ही हुआ है। उसके बाद हम पैडिंग, हमने पहले फॉन्ट साइज देख लीजिए, वो भी दे रखा है, कर्सर भी दे रखा है, मार्जिन भी दी हुई है, मार्जिन दी है नहीं, मार्जिन डाल देते हैं इसकी करीबन 5px। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं बता दूंगा, देखिए ये आप देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इसको सुंदर दिखना है, अच्छा दिखेगा ये। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ट्रांजिशन जो है वो आप देखिए, डिस्प्ले ब्लॉक में डाल दीजिए, ये तो हो गया, कर्सर है, मार्जिन दे दिया हमने, फॉन्ट साइज दे दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर्सर पॉइंटर के बाद मार्जिन के बाद ये कर्सर पॉइंटर हो गया, मार्जिन हो गया। अब इसके बाद जो मैं देने जा रहा हूं वो देखिए, ये ट्रांजिशन जो है ये मैं कर देता हूं ऑल, और इसको कर देता हूं जितने भी होंगे 0.5 सेकंड देंगे, ओके।
ये 0.5 सेकंड कर दिया मैंने, ट्रांजिशन कर दिया। अब कोई भी बटन आप लीजिए, जो भी बटन हम ले रहे हैं, और उस बटन के हिसाब से वहां पर आने पर क्या होगा, वहां पर जाने पर क्या होगा, वहां पर रुकने पर क्या होगा, आप समझ रहे हैं। तो एक बटन हम बनाएंगे, ये सब बता देते हैं, और बटन की क्लास तो बटन है ही, ये सब बता देते हैं, डिव वेव की भी जरूरत नहीं है, एक ही बटन रहने दीजिए बस, ये डिव बता दीजिए, बटन की क्लास तो बटन है ही। अब इसमें मैं अंदर एक स्टाइल दे रहा हूं, यहां स्टाइल क्योंकि क्लास बटन के बाद यहां पर एक स्टाइलिंग दे रहा हूं, यहां पर है स्टाइल, और स्टाइल हम दे रहे हैं इज इक्वल टू, इसको बोल दीजिए वर्टिकल अलाइन इसका मिडल, वी अलाइन वर्टिकल अलाइन इसका मिडल कर देते हैं, वर्टिकल अलाइन कोलन मिडल डी डी एल, ओके वर्टिकल अलाइन मिडिकल मिडल हो गया। इसमें ये जो डिफॉल्ट वगैरह लिखा हुआ है इसको स्पैन के अंदर डाल देंगे, एक स्पैन दे दीजिए यहाँ पर स्पैन, और स्पैन को आप एंड भी कर दीजिए, यहाँ पर स्पैन को एंड कर दीजिए, ओके। तो इसको देखिएगा, ये जो वर्टिकल लाइन मिडल है डबल कोट से बनेगा, हमने एक बटन बनाई, बटन का स्टाइल हमारा ये है ही, ये इस बटन को फटा दीजिए, हमने ये बटन हो गया, इसकी स्टाइल हो गई ये सारी। और हमने हमने क्या किया कि ये भी आपको उठाना पड़ेगा, मैं हटाता हूं इसको, इसको भी हटाते हैं। अब इसमें मेरा वर्टिकल अलाइन दे दिया मिडल, और स्पैन दे दिया एक डिफॉल्ट, और यहां पर स्पैन को एंड भी कर दिया, जो चीज एक्स्ट्रा हो गई उसको हटा देता हूं, ये फॉरवर्ड स्लैश से एंड होगा, ये स्पैन जो डिफॉल्ट लिख के आ गया। अब इसमें मैं लिख देता हूं होवर, हम इसके ऊपर लेके आएंगे, फिर देखिए क्या चेंज होता है, इस स्पैन में हम चेंज करेंगे। तो बटन हमने शुरुआत की, और इसमें एक बटन दिया, स्टाइल दे दिया, स्टाइल को हमने यहां से डबल कोट से बंद कर दिया, ये आएगा, और उसके बाद हमने स्पैन दिया। अब देखिए ऊपर जाते हैं, ये बटन तो बनी गई थी, अब हम क्या चेंज करें देखिएगा कि बटन के स्पैन पे क्या होगा, बटन के स्पैन आफ्टर पे क्या होगा, और बटन के होर स्पैन पे क्या होगा, और बटन के स्पैन आफ्टर पे क्या होगा, ये मैं भी लिख देता हूं। तो मैंने ये इस पे लिख दिया है, आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं समझाता हूं आपको क्या क्या हुआ है। ये बटन तो हमने बना रखा था, ठीक है, ये बटन है, इसके स्टाइलिंग हमने वर्टिकल अलाइन कर दी, होवर करने पर इसका स्पैन बढ़ेगा। तो इसके स्पैन पे हमने क्या किया, इस बटन के स्पैन पे हमने कहा कर्सर पॉइंटर आएगा, जिसपे इनलाइन ब्लॉक है, पोजिशन इसके रिलेटिव रखी, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड। हमने क्या किया, इसके स्पैन के बाद में एक कॉन्टेंट डाला, जो ये दो आपको एरो दिखेंगे ना अभी, वो हमने स्लैश 00bb करके डाला, एक कॉन्टेंट दिखाई देगा, मैं इसको रन करा के दिखा दू, फिर और समझाता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा, देखिए ये एरो अभी आ गया और ये आगे भी बढ़ गया, ये करने का काम हो रहा है। तो बटन के आगे स्पैन के आफ्टर में कंटेंट ये डाल दिया, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, ओपेसिटी 0, टॉप 0, राइट इसका -20, ट्रांजिशन इसका 0.5। ऐसे ही बटन के होवर के बटन के ऊपर होवर करेंगे तो स्पैन पे क्या होना चाहिए, स्पैन की पैडिंग राइट 25px थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसी जब हम इसके होवर जब स्पैन कर लेंगे उसके बाद क्या होना चाहिए, इसे ओपेसिटी 1 और राइट 0, ये हमने करने की कोशिश की। मैं इसको फिर से बताता हूँ, ऐसे करके हम रन कराएंगे, और यहां पर हमने ये पॉसिबिलिटी दी। तो हम क्या कर सकते हैं, बटन के ऊपर होवरिंग पे अपने इफेक्ट डाल सकते हैं, और प्रेस बटन का इफेक्ट भी डाल सकते हैं, रिपल इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हैं। अगर आप रिपल इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी पे क्लिक करें तो आपको सीधा क्या करना है कि बटन जो आफ्टर था, ये जो बटन आफ्टर है एक्टिव है, मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं इसको कोड लिख देता हूँ ताकि समय बचे। तो इसमें आपने क्या किया कि यहां पर पहले दिखा दूं कि एक रिपल इफेक्ट इसमें दिखाई देगा, कुछ नहीं किया है, बस इस बटन की क्लास बना दी और उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा। देख लीजिए इस बटन को हमने क्या किया, बटन को जो साइज वाइज देना था, जो भी कलर वगैरह देना था, हमने दे दिया। बटन आफ्टर और बटन एक्टिव आफ्टर, ये दोनों चीज जोड़ी इस क्लास में, कि बटन आफ्टर कॉन्टेंट इसका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक, पोजिशन इसकी यहां पर हमने रिलेटिव दी थी, इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, जो -20px है इंपॉर्टेंट, मतलब ये पहले ये जरूर लगाना है, मार्जिन टॉप -120%, ओपेसिटी, ट्रांजिशन। ऐसे जो बटन एक्टिव आफ्टर, उसके बाद क्या होगा,
वो देखिए पैडिंग जीरो हो जाएगी, मार्जिन जीरो हो जाएगी, ओपेसिटी वन हो जाएगी और ट्रांजिशन जीरो सेकंड। अब इसको चला के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ इसमें। ये देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप रिपल इफेक्ट देख पा रहे हैं। तो जब दबाने पर ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये चीज आपकी यहाँ से दिखाई दे रही। तो अभी आज हमने काफी चीजें देखी आपके बटन्स के बारे में, और भी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज यूज होती है वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी। तो ये बात हुई बटन की, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपसे।